नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूर्य पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप सभी लोग इस पूरे मामले को समझें और अपनी जो भी प्रतिक्रिया है, जो आपका रिएक्शन है, जो भी आपकी भावनाएं इस पूरे न्यूज को जानने के बाद निकल के आ रही है, आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिएगा। आप सभी लोग देख रहे हैं कि बीएचयू के इस कैंपस में पिछले कई महीनों से लगातार कुछ न कुछ मामलों के लेके धरना प्रदर्शन, बच्चे प्रशासन के खिलाफ, उनके मनमानी के खिलाफ, उनके अगेंस्ट आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। समाधान के तौर पे हमें थोड़ा वक्त दिया जाता है, फिर कभी कभी इस पे समाधान मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। हाल ही में कन्वोकेशन को लेकर हम लोगों ने बीएचयू के वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब और हमारे कंट्रोलर साहब को ज्ञापन सौंपा था कि कैंपस में ही कन्वोकेशन को अभी मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये भावनात्मक पहलू भी है शैक्षणिक गतिविधि के साथ साथ। खैर, ये मामला तो शांत हो गया, लेकिन अब एक इससे भी बड़ा बदलाव आ चुका है और जो भी एथलेटिक के बच्चे हैं शायद इस मामले से थोड़े से खुश हो जाए और कुछ लोग शायद नाखुश हो जाए और कुछ एक बैकग्राउंड में कहानी ये बन सकती है कि ये एक पहला स्टेप है बीएचयू से एथलेटिक को अलग करने का। अब पूरी बातें आप समझो, सुनो और फिर थोड़ा सा, क्योंकि आप भी अपने लेवल पे अपने सोचना, अपने भी मस्तिष्क का प्रयोग करना और देखना कि क्या ये गवर्नमेंट की जैसे पॉलिसी आती है उसमें छेड़छाड़ करते हैं तो क्या ये उसका एक पहलवान है क्या, या उसका कोई एक हिस्सा हो सकता है। तमाम बातें, ये जो नोटिस है, सबसे पहले हम लोग इस नोटिस को देखते हैं, ठीक है। ये नोटिस है आपका बीएचयू का आज का, ठीक है। ये आज का नोटिस है जिसमें ऊपर ही लिखा हुआ है, संबंधित यानी एफिलिएटेड कॉलेजों, जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, में परीक्षा आयोजित करने के मुद्दे पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। यानी जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसको लेके एक बहुत बड़ा मीटिंग किया गया था। ये बात सच है कि मीटिंग हुई थी, क्योंकि जब ये मीटिंग हो रही थी तो उसी समय हम लोग भी आर्ट्स फैकल्टी के डीन ऑफिस में धरना के लिए उपस्थित हो गए थे कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि हम लोग भी एग्जाम बहुत दिन से नहीं कराए जा रहे थे। वो एक अलग मुद्दा है, कभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वो मीटिंग छोड़ के आए थे मेरे से बात, हम लोग से बात करने के लिए, तो ये तो पता है कि मीटिंग हो रही थी। उसके बाद तीन कॉलेजेस यानी बीकेएम, एएमपीजी और बीसीडब्ल्यू, जो भी गर्ल्स कॉलेजेस हैं, एंड एएमपीजी के परिसर में परीक्षाओं का आयोजन करेंगे, जबकि डीएवी पीजी कॉलेज के मामले में पिछली प्रथा ही जारी रहेगी एज इट इज, कि वो लोग एमपी थिएटर के बगल में जो एमपी हॉल है वहां पे अपना एग्जाम जैसे देते आ रहे हैं उसी तरीके से देते रहेंगे। अब आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको लिख के समझा देता हूं। बड़ा ये यहाँ पे क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपका एएमपीजी है, ठीक है, एएमपीजी जो है, और आपका जो बीसीडब्ल्यू है, ठीक है, और आपका जो वीकेएम है, ये आपके तीन कॉलेजेस हैं ऐसे जो कि गर्ल्स स्पेशल कॉलेज हैं, यहाँ पे बस लड़कियां पढ़ती हैं। इन तीन कॉलेजेस की जो सेमेस्टर्स एग्जाम है, जो भी आपके सेमेस्टर्स एग्जाम होंगे अब से, वो आपके अब होंगे आपके खुद के कॉलेजेस में, ठीक है। ये आपके खुद कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग उन्हीं के परिसर में कराया जाएगा। लेकिन जो हमारा अभी डीएवी कॉलेज है, बीएचयू का एफिलिएटेड कॉलेज, डीएवी जो कॉलेज है, ठीक है, डीएवी पीजी, ये अभी भी बीएचयू के एमपी हॉल में कराया जाएगा, ठीक है। ये है यहाँ का कुछ अभी तक का अपडेट। दीक्षांत समारोह को लेकर भी इसी नोटिस में एक दूसरा पॉइंट लिखा गया है, कॉलेजों की भावनाओं को यानी जो उनके सेंटिमेंट्स हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, जैसा मैं बोला कि कन्वोकेशन एक भावनात्मक क्षण भी हम सभी के लिए, रखते हुए ध्यान में रखते हुए दीक्षांत समारोह संयुक्त रूप से और केवल बीएचयू के ही कैंपस में संचालित किया जाएगा। ये बात इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया। इस बात पर सर्वसम्मति से सहमति बनी कि दीक्षांत समारोह आयोजित करने के लिए बीएचयू उन्हें मुख्य परिसर में एक स्थान प्रदान करेगा जिस पर प्राचार्य सहमत थे। यहां पे एक बात सोचने वाली बात है कि प्राचार्य सहमत थे, इट मींस इस मीटिंग में आपके जो भी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं वो भी यहां उपस्थित थे। जैसा मैं आपको पहले बताया था कि ये जो कन्वोकेशन का मामला है ये अलग मनाया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उस समय जब डिसीजन लिया गया बहुत पहले तो आपके प्रिंसिपल्स की सहमति थी कि हाँ ये अवसर हमें दिया जाए और ये कन्वोकेशन हम अपने ही परिसर में सेलिब्रेट करेंगे। ये बातें कुछ उड़ते उड़ते हमें हमारे मेरे तक पहुंची थी, मैं पोस्ट भी डाला था कि अपने प्रिंसिपल से बात करो, लेकिन अब कहीं ना कहीं बच्चों के कई कंप्लेन और बहुत सारे ऑनलाइन जो कंप्लेनिंग थी धरना प्रदर्शन की वजह से ये डिसीजन ले लिया गया है कि जो ये खैर कल ही ले लिया गया था, ठीक है, कल की मीटिंग का ये पूरा ब्यौरा है आज हमें रिलीज करके मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट है पीएचडी को लेके, जो कि पीएचडी के भैया लोगों के लिए है कि उनका जो दीक्षांत समारोह है ये
यहाँ पे पॉइंट है कि उनके डिपार्टमेंट फैकल्टी संबंधित जो लोग हैं वो लोग देखेंगे। तो आप कहने का पूरा मतलब यही है कि आप ये बात बताओ कि क्या इसके पीछे कोई राजनीति है या ये सच में छात्रों के हित में लिया गया डिसीजन है, और इस लिए गए डिसीजन से छात्रों का कितना बड़ा नुकसान है या कितना बड़ा लाभ है, ये तमाम चीजें अब साइमल्टेनियसली अचानक से तो मैं नहीं रिएक्शन के तौर पे आपको बोल सकता। हाँ, लेकिन एक विश्लेषण का विषय जरूर है, यह एक विचार का विषय है, आप सभी लोग भी विचार करें और कितने सारे लोग कितना खुश है ये कॉमेंट करके जरूर बताएं या कितना दुखी है ये भी बताएं। तो अपने विचार अगर आप बताओगे, शेयर करोगे, तो हम भी थोड़ा सोच पाएंगे कि एक्चुअली इस डिसीजन से किसका लाभ, किसका हानि, किसका नुकसान, किसका ज्यादा नुकसान, ये तमाम चीजें हुई हैं। मुस्कुराते रहें, ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल पे जुड़े रहें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, हर एक एथलीट को पता चलना चाहिए कि फाइनली इस तरीके के बदलाव उनको देखने को मिल रहा है। और आगे भी आपका जो सपोर्ट है वो हमारे चैनल से जुड़ाना चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है, तो कम से कम हम लोग आपके लिए आवाज उठा सकें, ठीक है, कम से कम हम लोग आपके लिए आवाज उठा सकें। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप सभी लोग जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और जितना ज्यादा हो सके आप इस वीडियो को अपना रिएक्शन दें, ठीक है। हर हर महादेव, बहुत सही शुभकामनाएं।